हेलो गाइस, आपका स्वागत है इस चैनल पर। आज हम बनाते हैं नींबू चावल, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छे लगते हैं। अगर तुम एक बार खाओगे तो बार बार बनाने का मन करेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, ये मैंने चावल लिए थे 1 कप, और इसको मैंने अच्छे से उबाल लिया है। उबाल के ठंडे हो चुके हैं। अब मैं इसका मसाला तैयार करूँगी। देखिए गाइस, इस तरीके से मैंने इसमें मसाला रेडी करूँगी। 2 मिर्च ली है लाल वाली, राई ली है 1 चम्मच, कड़ी पत्ते लिए थे, प्याज लिए हैं, लहसुन की कलियाँ ली हैं 2-4, और मैंने हरी मिर्च ली है। और ये मैंने 3 नींबू का रस लिया है। इसमें मैंने 4 गुला पानी मिलाना है। अब मैंने कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी है, गैस को मैं ऑन कर लूँगी। अब देखिएगा इस तरीके से मैं गैस को ऑन करूँगी, और अब मैं इसमें तड़का लगाने की तैयारी करूँगी। देखिए इस तरीके से मैंने अब इसमें तेल डालूँगी 1 चम्मच, 1 चम्मच के करीब मैं इसमें तेल डालूँगी। आप चाहते हो तो फॉर्चून डाल सकते हो। मैंने सरसों का तेल डाला। अब इस तेल को गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें फिर मसाले ऐड करूँगी। देखिए गाइस, इसमें राई डालूँगी। सबसे पहले राई और ये कड़ी पत्ता और लाल मिर्ची, हरी मिर्ची, प्याज वगैरह सब कुछ डालूँगी। देखिए इस तरीक़े से मैं इसको डालूँगी, ये मेरे चटक गए। अब इसमें मैं प्याज डालूँगी, प्याज, हरी मिर्च, और इसको थोड़ा ब्राउन हो जाएंगे थोड़ा थोड़ा, तब मैं कड़ी पत्ता डालूँगी। देखिए कड़ी पत्ता डाल दिए, और इसको थोड़े से ब्राउन हो जाएंगे जब तक के लिए तैयार करूँगी। ये ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें थोड़ी सी हल्दी डालूँगी 1/2 चम्मच के करीब, ताकि इसमें चावल में कलर आ जाए अच्छे से। देखिएगा इस तरीक़े से, और थोड़ा सा धनिया डाला। आप चाहते हो तो डाल सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत ना है। ये देखिए, मैंने इसमें नींबू पानी डाल दिया है, और इसमें 4 गुना नींबू पानी डालूँगी। 4 मतलब जितना मैंने नींबू लिया उससे 4 गुना पानी डालना है। और इसको मैंने अच्छे से गर्म करना है, गाढ़ा हो जाएगा जब तक थोड़ा सा हल्का सा। देखिए गाइस, अभी उबाल आ चुकी है इसमें। इस तरीके से इसको चलाते रहना है ताकि थोड़ा लगे ना। इसमें 1/2 चम्मच मैंने नमक डाला है, क्योंकि मैंने उसमें चावल में भी डाल लिए थे इसलिए। देखिए गाइस, ये मेरा चावल का तड़का बन के रेडी हो चुका है इस तरीक़े से। ये देखिए गाढ़ा हो चुका है हल्का हल्का। देखिए गाइस इस तरीक़े से। अब मैं इसको गैस को ऑफ कर दूँगी। अब इसमें मैं चावल डालूँगी। चावल के लिए थोड़ा सा गैस चलाऊँगी, ताकि थोड़े से चावल गर्म हो जाए, और इसमें मैं मिक्स करूँगी। आप अपने हिसाब से मिक्स कर लीजिए। मैं हल्के हल्के मिक्स करूँगी, ताकि ज़्यादा पतला ना हो और ज़्यादा मतलब गाढ़ा ना हो, अच्छे से खाने में टेस्ट आए इतना करूँगी। 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें नींबू का रस डाला है। ये सारा मैंने जो बनाया था मसाला, इस तरीक़े से देखिएगा। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छे लगते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी